हमारा आज का वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाला है बैचलर्स के लिए, और वो भी उनके लिए जो या तो गुड़गांव में रह रहे हैं या गुड़गांव आने के लिए प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपको थंबनेल को देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा तो बहुत सीरियस है और गुड़गांव जैसे मेट्रो सिटी में एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शंस को इम्पैक्ट करता है। मुद्दे के साथ साथ सॉल्यूशन क्या है, तो आज हम इस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यारो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके दिल के करीब जो मुद्दा सबसे ज़्यादा है आज उसी पे ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में, और बिना किसी लाग लपेट के सीधा हम बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे की। ऐसे क्या कारण हैं कि प्रॉपर्टी ओनर्स बैचलर्स को अकोमोडेशन देने से मना कर देते हैं, या फिर अगर देने की हाँ करते हैं तो ओवर प्राइस डिमांड करने लग जाते हैं, या फिर ऐसी अजीबोगरीब शर्तें लगा देते हैं कि जिसकी वजह से उनका रहना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर वो रहने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। आगे बढ़ने से पहले हमें इस मुद्दे पर दो एंगल्स से सोचना पड़ेगा। पहला एंगल कि प्रॉपर्टी ओनर्स क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, या फिर वो क्यों इस चीज़ के लिए बैचलर्स को अलाउ नहीं करते। और दूसरा एंगल, वो बैचलर्स जो रेंटल अकोमोडेशन की तलाश कर रहे हैं तो उनको वो अकोमोडेशन क्यों नहीं मिल पाती है। जब दोनों एंगल्स से हम सोचेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल दिक्कत जो है वो कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ओनर्स की। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी ओनर से बात करते हैं कि बैचलर्स को अकोमोडेशन चाहिए रेंट के लिए, या आप लोगों ने भी टाइम टू टाइम ये चीज़ फेस की होगी जब भी किसी प्रॉपर्टी ओनर्स के पास गए होंगे आप लोग, तो लगभग सभी ओनर्स का एक ही स्टैंड रहता है। सबसे पहला कि यार बैचलर्स को प्रॉपर्टी नहीं देनी, वो मेंटेन नहीं रखेंगे, ना ही अगर कल को वहाँ प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, साफ़ सफाई की बात आती है या मेंटेनेंस की बात आती है या फर्निशिंग की बात आती है, तो उस चीज़ को वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी ओनर्स का पॉइंट होता है कि यार बैचलर्स टाइम पे रेंट नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में जब प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तब तो वो हर चीज़ के लिए हाँ कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उनका रेंट जो है वो डिले होने लग जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आती है प्रॉपर्टी ओनर्स की साइड से, वो आती है कि यार मेट्रो सिटीज़ में जैसे गुड़गांव जैसे शहर में लाइफस्टाइल जो है टाइम के साथ साथ बहुत ही चेंज होती जा रही है, कि ये आज तो तीन लड़के आए हैं या दो लड़कियाँ आई हैं रहने के लिए, कुछ टाइम बाद ये लिव इन रिलेशन में रहने लग जाएंगे, या इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डेली आना जाना लगा रहेगा, तो ऐसी दिक्कतें भी अमूमन सामने आती हैं। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रॉपर्टी ओनर्स बार बार बोलते हैं कि यार बैचलर्स का रहने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत होता है, रोज़ाना ड्रिंकिंग करना, पार्टियां करना, और इसकी वजह से आसपास का जो नेबरहुड होता है उनको बहुत ही दिक्कत होती है, या उसी प्रॉपर्टी में कोई फैमिली रह रही है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। एक और बात जो सामने निकल के आती है वो है कि यार बैचलर्स दो या तीन लोग इकट्ठा हो के रहने के लिए आते हैं, कुछ टाइम तक उनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद उनमें आपसी मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है या उनके पर्सनल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, और इस वजह से भी ओनर को भी बड़ी दिक्कत होती है, या कोई एक लड़का उनमें से खाली करके चला जाता है तो फिर उसको दो रूम का रेंट आना स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियली भी ओनर को काफ़ी जो है बर्डन या पेन जो है लेना पड़ता है। अब अगर इन सभी
मुद्दों पर गौर किया जाए तो बहुत हद तक ये सभी चीज़ें सही भी लगती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फैमिलीज़ को घर रेंट पे देते हैं तो उनकी तरफ से भी आ जाती हैं, लेकिन अगर बात करें फैमिली वर्सेस बैचलर्स की, तो बैचलर्स में अगर ये दिक्कतें 70% के साथ आती हैं तो फैमिलीज़ में 5-10% के साथ ही ये दिक्कत आती हैं। इसीलिए शायद प्रॉपर्टी ओनर्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं फैमिलीज़ को रेंट आउट करने में। इसमें उनको सिर्फ एक ही पर्सन से डील करना होता है, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे किराए की बात हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो। और अगर बैचलर्स को वो अकोमोडेशन देता है तो वो 3 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं या 5 लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं सभी से अलग अलग डील करना पड़ेगा, और उनमें से कोई भी एग्रीगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की तरफ से लेने को तैयार नहीं होता है। वहीं अब अगर हम बात करें बैचलर्स की साइड की, तो उनका कहना होता है कि ये लोग हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो कि गलत है और हमारे साथ नहीं होना चाहिए इस तरह का कोई भी भेदभाव। दूसरा, बार बार वो अपने लीगल राइट्स गिनाने लग जाते हैं कि जब कानून हमें ऐसा कुछ भी करने से नहीं रोकता या बाई लॉ हमें सभी चीज़ों की परमिशन है, फ्रीडम है, तो फिर सोसाइटी या ये प्रॉपर्टी ओनर्स ये कौन लोग होते हैं जो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। तीसरा, उनका कहना होता है कि अब हम अडल्ट हैं और सभी तरह की चीज़ें हमें बाई लॉ अलाउड हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल पे या हमारी चॉइसेस पे या हमारे रहने के तरीके पे कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकता है। हमें इन सब चीज़ों को एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और मैं बैचलर्स को भी यही सलाह देता हूँ कि हम इन चीज़ों को लेके ना तो कोई परसेप्शन बना सकते हैं और ना ही हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेशन के चश्मे से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। जब बात आती है हमारे लीगल राइट्स की, तो हमें ये भी सोचना होगा कि प्रॉपर्टी ओनर्स के भी अपने लीगल राइट्स हैं। जिस आदमी ने अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की है, तो उसकी भी चॉइस है और बाई लो चॉइस है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में किसको रखना चाहे या किसको ना रखना चाहे। किसी को भी उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की इजाज़त ना कानून देता है और ना ही हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से प्रॉपर्टी ओनर्स लॉयर्स को घर नहीं देते किराए पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को घर नहीं देते, विडोज़ को घर नहीं देते, पुलिस ऑफिशियल्स को घर नहीं देते किराए पे, लेकिन ये लोग कभी भी सोसाइटी में जाके इस चीज़ को लेके ना तो कोई हंगामा करते हैं, ना कोई बवाल करते हैं, और ना ही कहीं ये बार बार पुकारते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये समाज के सभ्य लोग हैं। इनको पता है कि हाँ, सामने वाले प्रॉपर्टी ओनर की अपनी चॉइस है, वो हमें घर देना चाहे या ना देना चाहे, ये टोटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज़ को भी घर नहीं देते रेंट पे। अब इसको लेके हम उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर लेके सोच के देखेंगे, तो अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं शायद किसी नॉन वेजिटेरियन के साथ बैठ के खाना ना खाऊं, तो इसमें मेरी अपनी चॉइसेस की भी बात आती है और सामने वाले की भी अपनी चॉइसेस की बात आती है। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही हो सकती है कि बजाय इसके कि हम इसको डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा दें, हम इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है और क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। जब सॉल्यूशन की बात आती है, तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ही क्यों खड़ी होती है। तो हमें कहीं ना कहीं फिर से लौट के प्रॉपर्टी एंड ओनर्स के एंगल की तरफ फिर से गौर करना होगा कि क्यों वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं या क्यों वो बैचलर्स को घर किराए पर नहीं देते। अब कोई अगर आपसे पूछे कि आपकी कोई खुद की प्रॉपर्टी है, तो क्या आप बैचलर्स को घर देंगे,
तो शायद मैं तो यही मानता हूँ कि शायद आप भी मना कर देंगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में बैचलर्स को अलाउ नहीं करूँगा, मुझे कोई फैमिली वाला टेनेंट चाहिए। तो जब आप खुद इस स्टैंड पर रहते हैं तो कैसे, जब आप बैचलर हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी ओनर को ब्लेम कर सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक्चुअल में ये मैच मेकिंग का केस है कि जिसकी जहां चॉइसेस मैच हो जाती हैं वो वहां कंफर्टेबल हो जाता है और जिसकी चॉइसेस मैच नहीं होती वो वहां कंफर्टेबल नहीं होता। फिर चाहे वो बात बैचलर्स की हो, लॉयर्स की हो, पुलिस ऑफिशियल्स की हो, विडोज की हो या किसी और थर्ड पर्सन की हो, सारा का सारा खेल जो है वो घूमता है चॉइसेस के पीछे। जब आपकी भी किसी प्रॉपर्टी ओनर के साथ चॉइसेस अगर मैच हो जाएंगी तो शायद वो आपको भी मना नहीं करेगा, फिर चाहे आप इनमें से कोई भी हो। आज मैं आपको सिर्फ तीन बातें बताता हूँ, अगर आपने इन तीन बातों का ध्यान रखा तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि शायद आपको फिर कभी दोबारा ये ना बोलना पड़े कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हमें रेंटल अकोमोडेशन नहीं मिल रही है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी लैंडलॉर्ड के पास जाएं और आप उनसे बात करें उनका घर रेंट पे लेने के लिए, तो सबसे पहले उसे भरोसा दिलाएं कि मैं आपका रेंट जो है, जो भी हमारी डेट फिक्स हो जाएगी उस डेट से पहले मैं आपको रेंट दूंगा। दूसरी चीज़ कि आज जैसी आप मेरे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसमें जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो जो फिक्सिंग्स हैं, जो जो फर्निशिंग्स हैं, वो आपको मैं जिस दिन खाली करूँगा उसी कंडीशन में वापस लौटाऊँगा। जब उसको ये भरोसा होगा कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाएगा, तो यकीन मानिए वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। और तीसरी चीज़, आपको अपने प्रॉपर्टी ओनर या लैंडलॉर्ड को ये भी यकीन दिलाना होगा कि उस घर में आपके रहने की वजह से उस सोसाइटी में, उस नेबरहुड में या उस बिल्डिंग में बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कोई भी आपको, मुझे नहीं लगता कि पार्टी करने के लिए या आपको अपनी लाइफस्टाइल से जीने के लिए शायद ही कोई रेस्ट्रिक्ट करे, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी को दिक्कत होती है तो हो सकता है कि फिर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं। तो इसलिए आपको ये भरोसा अपने लैंडलॉर्ड को ज़रूर दिलाना होगा कि हाँ आपकी वजह से एटलीस्ट उनको या पड़ोसियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना कभी होगी और ना ही कभी उस चीज़ का प्रयास आपकी तरफ से किया जाएगा। अगर आप ये भरोसा अपने लैंडलॉर्ड को दिला पाए तो आप आज के इस मेरे वीडियो को हमेशा याद रखेंगे कि हमने ये चीज़ वहाँ से सीखी थी और हमने इस चीज़ को फॉलो किया और हमें कभी भी इस तरह की परेशानी को नहीं उठाना पड़ा। और मैं तो एक और भी सलाह देता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जो गुड़गांव में रह रहे हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि वो भी इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें ताकि किसी एक की वजह से बाकी सभी लोगों को परेशानी ना हो। अब वीडियो के लास्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि बैचलर्स को घर ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए या कहाँ वो जाएं कि उनको उनके बजट के हिसाब से या उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सबसे अच्छे रेट में रेंटल अकोमोडेशन मिल जाए। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि एनस्टे होम्स के पास हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, फिर चाहे सेमी फर्निश्ड की बात हो या फुली फर्निश्ड की बात हो, सभी तरह की अकोमोडेशंस हमारे पास हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल हैं जहां आपसे किसी तरह की कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती। तो एक तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं या हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ जहाँ इन्वेंट्री अवेलेबल होगी हम वो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। दूसरी चीज़, हमारी टीम के पास
जो फील्ड में काम करती है, और भी बाकी सभी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आप अपनी प्रिफ्रेंसेस के हिसाब से हमें बता सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी जो भी प्रिफ्रेंसेस हैं उनके हिसाब से प्रॉपर्टी निकाल के आपके लिए शॉर्टलिस्ट करें और आपको विजिट कराए। और जल्दी हम एक ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जिसमें कि 4 BHK की फुली फर्निश्ड यूनिट्स अवेलेबल होंगी रेंट के लिए, फिर चाहे आप बैचलर हैं या फैमिली हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जल्दी मैं उस प्रॉपर्टी पे भी अपना एक वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊँगा। लेकिन हमारे पास लिमिटेड यूनिट्स हैं, सिर्फ 4 ही 4 BHK की यूनिट्स हैं। तो आप जितना जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे, शायद हो सकता है कि आपको भी उस प्रॉपर्टी में यूनिट मिल जाए। अब आज के इस मुद्दे से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर मुझे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सभी तरह का सॉल्यूशन हम दे पाएं। थैंक यू।